गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू कैरी डिफेंस स्कूल। आज हम लोग जो हैं डिस्कस करेंगे ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2018 का पेपर सोशल साइंस का। द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, हु बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल आफ्टर द डेथ ऑफ अलीवर्दी खान, मुर्शिद कुली खान, मीर जाफर, सिराजुद्दौला, मीर कासिम। यानी कि बंगाल के नवाब जो हैं वो कौन बने थे अलीवर्दी खान के बाद, इन पर्सन के, सॉरी दिस इज नॉट अलीवर्दी खान, ऑप्शन सी ओके। Yes, जो भी बच्चे ऑप्शन सी दे रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं। और ये जो आप फोटो देख रहे हो ना, सिराजुद्दौला की फोटो है। देखिए इस टेबल को देख लेते हैं, इसमें पता चल जाएगा। मुर्शिद कुली खान जो थे वो नवाब के बंगाल रहे थे 1706 से 1725 तक, सुजाउद्दीन 1725 से 1739, सराज खान 1739 से 40, देन अलीवर्दी खान 1740 से लेके 1756, देन आफ्टर हिम सिराजुद्दौला 1756 से 1757, देन आफ्टर दैट मीर जाफर जो है वो बने थे। अब थोड़ा सा कर लेते हैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। मुर्शिद कुली खान को मोहम्मद अदी के नाम से भी जाना जाता है, और ही वॉज फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल। ये पहले जो हैं फर्स्ट नवाब थे ये बंगाल के, जैसा कि हमने करा। थोड़ी सी ना इनकी ना डेट्स फ्लक्चुएटिंग होंगी अलग अलग जगह पर अलग अलग, तो इन डेट्स को देख लेना। पहले नवाब थे, इम्पोर्टेंट चीज इज दिस ऑफ बंगाल। और ये जो है ही वॉज हिंदू बॉर्न मुर्शिद कुली खान। नेक्स्ट आता है हमारा मीर जाफर। मीर जाफर जो है आपके मिलिट्री जनरल थे, हु बिकेम फर्स्ट डिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल, जो कि फर्स्ट पहले डिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और जो मीर जाफर है इन्होंने जो है ही सर्व्ड एज ए कमांडर ऑफ बंगाली फोर्सेस अंडर सिराजुद्दौला। नेक्स्ट हमारे आते हैं सिराजुद्दौला जो थे वो थे लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल। नेक्स्ट आ जाओ FIR means, हाँ जी आंसर बताइए। FIR means ये RMS में भी करवाया था, काफी बार पूछा गया, सैनिक स्कूल में भी पूछा गया, तो क्वेश्चन सेम है। दैट इज फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, इट इज द फर्स्ट डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग में, जो है सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो है ये प्रिपेयर करा जाता है। और अंडर दिस दैट प्लेसेस ऑन रिकॉर्ड द विक्टिम साइड की जो भी स्टोरी है वो इसमें जो है रिकॉर्ड जो है करी जाती है अंडर FIR। हाउ मेनी MPs आर इलेक्टेड टू द राज्यसभा, आंसर दिस। अभी ये क्वेश्चन बहुत मजेदार पूछा है, बहुत ही मजेदार। आंसर देखते हैं 272, 250, 245, 233, सारे के सारे ऑप्शंस डाल दिए इन्होंने। नाउ आंसर दिस, हाउ मैनी MPs आर इलेक्टेड टू राज्यसभा। अभी देखते हो कि तुम्हारे कितने कंसेप्ट क्लियर हैं, ये क्वेश्चन बता देगा।
250 to Vishal Chauhan. That is not in the option, Vishal Chauhan. गलत. उन्होंने पूछा है कि इलेक्टेड मेंबर्स कितने हैं. 250 मैक्सिमम स्ट्रेंथ थी, तो ये कैंसल होता है. यहाँ पर टोटल पूछे नहीं जा रहे हैं. देन इन्होंने 245 करंट, जिसमें से कि 233 स्टेट से. दिस इज आंसर ऑप्शन डी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीडिया सेट्स द एजेंडा. मीडिया सपोर्ट्स द गवर्नमेंट, मीडिया डायरेक्ट्स द पीपल ऑफ एजिटेट, मीडिया शेप्स अवर थॉट्स बाय गिविंग मोर इम्पोर्टेंस टू सम इश्यूज, या फिर मीडिया क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट. करेक्ट आंसर फॉर दिस. हाँ जी, आंसर फॉर दिस सिंपल क्वेश्चन है, मतलब जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है ये. मीनिंग ऑफ मीडिया सेट्स द एजेंडा, डी सी. यस, जिस बच्चे ने सी बोला है, कुणाल चौहान, योर आंसर इज राइट. मीडिया शेप्स आवर थॉट्स बाय गिविंग मोर इम्पोर्टेंस. जितने भी पब्लिक इश्यूज होते हैं उनको इम्पोर्टेंस दे के, जो हमारे थॉट्स होते हैं उनको जो है शेप, जो कि न्यूज़ की फॉर्म में जो है कन्वर्ट होती हैं वो चीज़ें. मीडिया सेट्स द एजेंडा, इट शोज दैट मीडिया इज पावरफुल इन पॉपुलराइजिंग डिफरेंट स्टोरीज और इवेंट्स. इट ऑल्सो रिकॉग्नाइज दैट पब्लिक इज फ्री टू चूज हाउ दे थिंक अबाउट थिंग्स. नेक्स्ट आता है द प्रोसेस इन विच डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन ऑल्टरनेट रोज इज नोन एज. वेरी सिंपल, अगेन रेपिटेशन, क्रॉप रोटेशन, इंटरक्रॉपिंग, टेरिस फार्मिंग या फिर काउंटर फार्मिंग. फटाफट जरा बच्चे, लास्ट बता देती हूँ, काउंटर क्रॉपिंग है. बताइए जरा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. टेरेस फार्मिंग, सिंपल, जहां पर डिफरेंट क्रॉप्स जो हैं ग्रो करे जाते हैं एक ऑल्टरनेट रोज में, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है. सिंपल, इंटरक्रॉपिंग. इंटरक्रॉपिंग इज द प्रोसेस इन विच डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन. और अगर मैं यहाँ पर देखूँ, अगर आप पिक्चर्स की हेल्प से भी ये आंसर दे सकते थे. देखिए यहाँ पर अलग चीज ग्रो, जस्ट यहाँ पर जो है एक अलग क्रॉप ग्रोन करे जा रहे हैं. यहाँ पर अलग जो है आपको दिख रहा है, क्रॉप्स जो है ग्रोन हो रखे हैं इन रोज. इंटरक्रॉपिंग, टेरेस फार्मिंग क्या होता है, जो आंसर सी दे रहे थे बेटा. टेरेस फार्मिंग होती क्या है, वाली चीज लिखो जरा चैट बॉक्स में. व्हाट इज टेरेस फार्मिंग. टेरेस फार्मिंग डजंट मीन कि दैट डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन ऑल्टरनेट रोज. हाँ यस करेक्ट, दैट इज स्टेप फार्मिंग. देखिए क्रॉप रोटेशन जो आपका होता है, जहां पर की सेम लैंड जो है यूज करी जाती है टू ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स इन सक्सेसिव ईयर्स. जैसे कि क्रॉप रोटेशन का आप एग्जांपल देख सकते हो, यहाँ पर ये एक लैंड है, इस पे अलग अलग जगह पर जो है ये अलग अलग जो है ग्रो करी जा रही है. दिस इज कॉल्ड योर क्रॉप रोटेशन. नेक्स्ट आपका आता है टेरेस फार्मिंग. इसमें जो है आपके स्टेप यूज करे जाते हैं अंडर दिस. जो आप इसमें देख रहे हो, दिस इज योर टेरेस फार्मिंग एग्जांपल. टेरेस फार्मिंग इज दिस अंडर विच स्टेप्स दैट आर बिल्ट इनटू द साइड ऑफ ए माउंटेन और हिल और ईच लेवल पर, हर लेवल पर जो है क्रॉप्स जो है ग्रो करे जाते हैं. दिस इज कॉल्ड योर टेरेस फार्मिंग. नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज योर काउंटर फार्मिंग.
ये आपका काउंटर फार्मिंग है। अब ये जो करा जाता है टू कंजर्व वाटर, वाटर को कंजर्व करने के लिए और प्रोटेक्ट सॉइल, ये एक स्लोपिंग फील्ड पे होता है, आप देख सकते हो इसमें। सो दिस इज योर काउंटर फार्मिंग, इस पे जो है आपकी फार्मिंग एक्टिविटीज करी जाती है लाइक प्लोइंग, प्लांटिंग, कल्टीवेटिंग, हार्वेस्टिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इज और आर दीवानी इज अ राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, फौजदारी अदालत रेफर्स टू ए सिविल कोर्ट, और थर्ड ऑप्शन इज रिचर्ड वेलेसले इम्प्लीमेंटेड द सब्सिडरी लाइंस। सो ऑप्शन ए बी सी और डी, चैट बॉक्स में लिखिए आंसर फॉर दिस। हम जी सिक्स का आंसर लिखिए सब बी, वन टू एंड थ्री, यानी कि तीनों करेक्ट हैं एज पर अभिजीत। थ्री मीन्स वन एंड थ्री आर करेक्ट, बी ए डिफरेंट आंसर। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज अभिजीत का आंसर करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन सी, वन एंड थ्री ओनली। अब इसमें इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए ना जो इस तरीके से आते हैं वो तीन पॉइंट्स दे देते हैं, फिर पूछते हैं कि इसमें से कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं, इसमें आपकी नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। दीवानी राइट्स जो हैं बिल्कुल करेक्ट हैं, ये जो है रेवेन्यू को जो है कलेक्ट करने के लिए जो है रखे गए थे। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, जहाँ पर कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है जितना भी रेवेन्यू जितनी भी इनकम थी वो सारे राइट्स जो है बैटल्स जीतने के बाद जो है अपने पास जो है रखे होते हैं इन्होंने। नेक्स्ट आपका आता है फौजदारी अदालत रेफर्स टू ए सिविल कोर्ट, दिस इज रॉन्ग। ये जो है आपकी इट रेफर्स टू मैजिस्ट्रेट कोर्ट, वेयर क्रिमिनल केसेस आर हेयर्ड एट फर्स्ट इंस्टेंस, जहां पर कि क्रिमिनल केसेस जो है सुने जाते हैं पहली बारी में, नॉट अ सिविल कोर्ट, इट इज अ क्रिमिनल, ठीक है जी, मैजिस्ट्रेट कोर्ट। नेक्स्ट आता है 100% करेक्ट, जो लॉर्ड वेलेस्ले था ये करवा भी चुकी हूँ मैं आपको, ही इम्प्लीमेंटेड द सब्सिडरी लाइंस। नेक्स्ट इज विच टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस टू मीट द नीड्स ऑफ फार्मर्स फैमिली, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग या फिर मिक्सड फार्मिंग। हाँ जी आंसर फॉर दिस क्वेश्चन सेवेंथ, ओके कुणाल सिंह ऑर्गेनिक फार्मिंग, एनीवन एल्स, बाकी बच्चे कमर्शियल, अनंत सी, भारत सिंह मिक्स्ड फार्मिंग, द करेक्ट आंसर इज दैट इज ऑप्शन ए सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जहाँ पर बताया था कि जो फार्मर है अपनी बेसिक नीड्स जो हैं सेटिस्फाई करते हैं, जो अपने घर का जो है पूरा खाना वगैरह जो है उनका इन चीज़ों से चलता है, दैट इज कॉल्ड सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जो अपनी नीड्स को जो है सेटिस्फाई करता है एक फार्मर अपनी फैमिली की नीड्स को, दैट इज कॉल्ड सब्सिस्टेंस, दिस इज सब्सिस्टेंस। ऑर्गेनिक विच इज विदाउट पेस्टिसाइड विदाउट केमिकल्स, उसे जो है हम ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है बोलते हैं। नेक्स्ट आता है कमर्शियल फार्मिंग, ये आपका बिजनेस और प्रॉफिट पर्पस से जो है करा जाता है,
दिस इज योर कमर्शियल फार्मिंग एंड द लास्ट वन इज मिक्स्ड फार्मिंग. ये आपका मिक्स्ड फार्मिंग जो है जहाँ पर क्रॉप्स भी होते हैं और जो एनिमल्स जो है रेयरिंग लाइफ स्टॉक को भी जो है पशुपालन दोनों चीजें जो है होती हैं मिक्स्ड फार्मिंग में इंक्लूड्स ऑल द थिंग. नेक्स्ट आता है बायोटिक रिसोर्सेज आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स डिराइव फ्रॉम लिविंग डिराइव फ्रॉम नॉन लिविंग और नन ऑफ द अबव. सिंपल ऑप्शन बी बायोटिक रिसोर्सेज दैट आर डिराइव फ्रॉम लिविंग थिंग्स. कौन कौन से जैसे प्लांट्स हो गए एनिमल्स हो गए फंगस बैक्टीरिया जिनमें जान होती है और नॉन लिविंग कौन से होते हैं वॉटर सॉइल एयर लाइट मिनरल्स. सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट मीन्स कम्युनलिज्म डेमोक्रेसी सेक्युलरिज्म ऑल ऑफ दीज. हाँ जी आंसर फॉर दिस सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम दिस स्टेट मीन्स. एनीवन कितनी बार कर चुके हो ये क्वेश्चन. यस दैट इज ऑप्शन सी सेक्युलरिज्म सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट. जैसा कि आपको पता है कि हमारे सिटीजन्स को जो है कंप्लीट जो है फ्रीडम है टू फॉलो एनी रिलीजन. इंडिया का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है. दिस इज कॉल्ड योर सेकुलरिज्म जहाँ पर कि किसी भी कंट्री का जो है एक पर्टिकुलर जो है रिलीजन नहीं होता ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता है दैट इज कॉल्ड सेकुलरिज्म. जहाँ पर जो लोग रह रहे होते हैं वहाँ पर जो है हर धर्म की जो है रिस्पेक्ट करी जाती है फॉलो करा जाता है. हिंदुज्म जैनिज्म हमारे देश में सब कोई ये नहीं है नहीं कह सकते कि हमारा देश हिंदुज्म है या जैनिज्म है. यस पॉपुलेशन जो है वो हम कह सकते हैं कि इंडिया में जो है हिंदू की पॉपुलेशन जो है हिंदुओं की पॉपुलेशन ज़्यादा है बट वी कैन नॉट से कि जो हमारा इंडिया है दैट बिलोंग्स टू हिंदुइज्म. नो डेमोक्रेसी जहाँ पर कि लोगों के द्वारा जो है इलेक्ट करे जाते हैं इन विच गवर्नमेंट ऑफ कंट्री इज इलेक्टेड बाय पीपल. और इंडिया इज एन डेमोक्रेटिक कंट्री लोगों के द्वारा जो है यहाँ पर जो है चुने जाते हैं. नेक्स्ट आता है कम्युनलिज्म जहाँ पर कि एक पर्टिकुलरली लॉयल्टी दिखाई जाती है टू द इंटरेस्ट ऑफ वन पर्टिकुलर ग्रुप के एक पर्टिकुलर रिलीजन को. जैसे कि हम इस केस में कह सकते हैं कि पाकिस्तान पाकिस्तान इज एन हार्ड कोर मुस्लिम कंट्री. सो कौमवाद जिसे बोलते हैं जहाँ पर कौम्स चलती हैं प्रॉपर कंट्री में सो दैट इज कॉल्ड कम्युनलिज्म. Sense of loyalty to the interest of one particular group, a particular group के तरह groupism करना. Rather than की पूरी society को जो है consider करना. नेक्स्ट आता है अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट. इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के इनकरेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम बिगनिंग टू एंड. बिगनिंग से एंड यानी कि सबसे पहले कौन सा हुआ था फिर उसके बाद कौन सा हुआ था उसके बाद कौन सा हुआ था. एनसीएम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्विट इंडिया मूवमेंट रॉलेट सत्याग्रह द मार्च टू डांडी. फटाफट आंसर दीजिए जरा इसका. Yeah.
वन बताइए, एक कह रहा सी, एक अनंत, वन ऑल्सो। इसकी इंफॉर्मेशन होगी कि ये कब कब इंसिडेंट हुए हैं, तो विद इन अ सेकेंड आंसर आ जाएगा इसका। कुनाली सिंह 3142, यानी कि ऑप्शन ए। अब प्लीज कॉपी पेस्ट नहीं करना बाकी सब। हाँ जी, कब हुआ था एनसीएम, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? दैट वाज बिटवीन 1920 से लेके 1922 के बीच में। और हमारा जो क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, दैट वाज इन 1942। और रॉयलेट सत्याग्रह, दैट वाज रॉयलेट वाला 1919 में हुआ था, बाय महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी जी के द्वारा करा गया था, 6 अप्रैल 1919। मार्च टू डांडी, दैट वाज 12 मार्च 1930। सो एज पर दिस, सबसे पहले हमारा आता है रॉयलेट सत्याग्रह 3, देन उसके बाद हमारा 1 आएगा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, देन 4 मार्च टू डांडी, एंड द नेक्स्ट वन इज लास्ट 2 क्विट इंडिया मूवमेंट। सो एज पर दिस, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। प्लीज मैं जो भी सैंपल पेपर करवा रही हूँ, इनको प्लीज पढ़ लिया करो, सिर्फ क्लास में सुनने इनफ नहीं होता है। द यंग बंगाल मूवमेंट वॉज लेड बाय स्वामी विवेकानंद, केशव चंद्र सेन, विलियम जोन्स, या फिर हेनरी लुइस विवियन तिरोचियो। Anyone else? Okay. The correct option is, that is option D. और ये जो यंग बंगाल मूवमेंट है, ये जो आपकी लॉन्च करी गई थी, दैट वॉज इन कैलकटा। स्वामी विवेकानंद जो है वो आपके एक इंडियन हिंदू मॉन्क है, और इनका जो है ही इज ऑल्सो नोन एज योगा टू दी वेस्टर्न वर्ल्ड। और इनका टाइम पीरियड वॉज बिटवीन 1863 से 1902 के बीच में। भरत चैट बॉक्स में लिखिए। केशव चंद्र सेन का जो ही वॉज एन अगेन हिंदू फिलोसफर, अ सोशल रिफॉर्मर who attempted to incorporate Christian theology। इन्होंने जो है Christian theology जो है लोगों में डालने की जो है कोशिश करी, attempt करा हिंदू लोगों के बीच में। Next हमारे आते हैं William Jones। He served as a judge of High Court at Calcutta। He also became a student of ancient India and founded विलियम जोन्स एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था आरएमएस में, किनके द्वारा एशियाटिक सोसाइटी जो है फाउंड करी गई थी। नेक्स्ट आता है डैश रेफर्स टू द कोर्ट डिक्लेयरिंग दैट अ पर्सन इज नॉट guilty of the crime which he or she was tried for by the court। उस पर्सन को आपने बताना कि क्या कहा जाता है, अपील, acquit, accuse, none of these। Dash refers to the court। A person is not guilty of the crime। वो पर्सन जो है guilty नहीं है जो भी उसने काम करा है। क्या बोला जाता है, आंसर दिस।
बेटा इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है कि स्वामी विवेकानंद जो है वो अदर बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते थे या जनरल से, कोई भी ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा। उनका क्या रोल है दैट सर्टेनली विल आस्क, वो चीजें पूछी जाएंगी, वो ओबीसी है जनरल है ये चीज कोई नहीं पूछेगा। हाँ जी बताइए फॉर दिस। देखिए अपील मीन्स रीथिंकिंग ऑफ द डिसीजन, पुनर्विचार करना। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम लोअर कोर्ट में जो है लोअर कोर्ट में जब भी कोई केस आता है और एक इंडिविजुअल जो है उसके आंसर से सेटिस्फाई नहीं होता, उसकी जजमेंट से सेटिस्फाई नहीं होता है, तो उसको एक राइट होता है कि वो जो है हायर कोर्ट्स में जो है अपील कर सकता है, चाहे वो हाई कोर्ट में जाए चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में जाए, किसी में भी। सो वहां पर क्या होता है कि वो पर्सन अपील करता है, यानी कि उसके डिसीजन को जो है द्वारा से उन कोर्ट्स के द्वारा जो है पुनर्विचार करा जाता है, दैट इज कॉल्ड अपील। एक्विट होता है आपका किसी को बरी कर देना, अपराध मुक्त करना, ठीक है जी, दिस इज कॉल्ड एक्विट। एक्यूज होता है किसी को अपराधी ठहराना। अब बताइए क्या आंसर आएगा, सो दैट इज ऑन योर स्क्रीन नाउ, आंसर दिस। दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट आता है कल्टीवेशन ऑन प्लांटर्स ऑन लैंड वॉज रेफर्ड टू एज, कल्टीवेशन ऑन प्लांटर्स ऑन लैंड वॉज रेफर्ड टू एज रियल्टी, महलवाड़ी, बताएदारी और नीज। हाँ जी 13th का आंसर बी। ओके अनंत इज सेइंग सी और बी, वन आंसर भाई, एक आंसर दीजिए। प्लांटर अपनी लैंड पे खुद कल्टीवेशन करते हैं, सो दैट प्रोसेस इज नोन एज। चलिए द करेक्ट आंसर फॉर 13th क्वेश्चन इज दैट इज ऑप्शन डी, नीज। देखिए अंडर दिस कल्टीवेशन आपकी जो होती है ऑन पीजेंट किसानों की जो है लैंड है उस पर जो है कल्टीवेशन खेती करी जाती है अंडर रियोटी, महलवाड़ी में आपका जो है विलेजेस पूरा विलेज, देन बताएदारी में क्या होता है आपका एन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, वेर यहाँ पर जो होता है ना एक लैंड ओनर जो है वो जो है अपनी लैंड जो है किसी दूसरे पर्सन को जो है देता है। अब जिस पर्सन को वो लैंड देता है ना वो उस पे जो है खर्चा वगैरह लेबर वगैरह करता है और जो है प्रोडक्शन जो है करता है, और वो जो चीज जो है शेयर करी जाती है ओनर और उस किराएदार के बीच में अंडर बताएदारी। क्लियर, यहाँ पर एक ओनर जो है अपनी लैंड जो है दूसरे पर्सन को देता है और वो दूसरा पर्सन जो है उस लैंड पे जो है जो भी खर्चा और लेबर वगैरह लगा के जो है प्रोडक्शन करता है, और जो प्रोडक्शन से जो उनको बेनिफिट होता है वो ओनर और टीनेंट दोनों के बीच में जो है बांटा जाता है, दिस इज कॉल्ड योर बताएदारी। नीज जहां पर कि अपने ही उस पे जो है आपकी जो है कल्टीवेशन जो है करी जाती है, कल्टीवेशन ऑन प्लांटर्स ऑन लैंड। नेक्स्ट आता है इनको जो है जो स्वामी विवेकानंद जो है ये जो है शूद्र जो है कंसीडर करे गए हैं,
He was caste who has been considered as a Shudra. Clear? So he belongs to और जो शूद्र है उनको जो है दास बनाया जाता था पुराने जमाने में. Next आता, which of the following is not correctly matched? Again, नाना साहेब कानपुर. यानी कि अब ये क्वेश्चन आपका आ गया है, दैट इज रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 का जो विद्रोह है उसका क्वेश्चन आ गया है कि कौन सी जगह से. इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए.